मीडिया के बंधुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के सहयोग से हम लोगों ने देखा कि आज जो ये दशहरे का पर्व है, रावण दहन का कार्यक्रम शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। प्रत्याशित भीड़ थी, कुछ कुछ हद तक अनुमान जिला प्रशासन के द्वारा था और उसी के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं की गई थी। चाहे आप लोग देख सकते हैं, बैरिकेटिंग दुरुस्त लगाई गई थी, सुदृढ़ थी, लाइटनिंग की व्यवस्था थी, प्रॉपर माइकिंग निरंतर जो है करी गई, ड्रोन से निगरानी यहाँ पर हुई, एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड इत्यादि सभी तैनात थी, सभी मजिस्ट्रेट्स और पुलिस पदाधिकारी अपने अपने कर्तव्यों पर तैनात थे। तो यही कारण रहा और जिलेवासियों का भी भरपूर सहयोग हम लोगों को मिला और यही कारण रहा कि आज शांतिपूर्ण तरीके से रावण वध का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अनुमानतः भीड़ कितनी थी सर? लगभग 1.25 लाख तो होगी, लगभग 1.25 लाख। किया जा रहा है ऐतिहासिक किला मैदान में, कितना पैसा खर्च होता है, कितने फीट का मूर्ति बना है इससे? ये रावण का 45 फीट का है और मेघनाथ का 40 फीट का है। जो बरसों से इस तरह का बक्सर किला मैदान में रामलीला समिति बक्सर ये कार्यक्रम विजयादशमी महोत्सव ग्रुप में कराती आ रही है, जिसमें कि लगभग रावण बनाने के लिए हमारे जितेंद्र भाई हैं, बक्सर जिले के आन बान शान हैं, उनके द्वारा ये विगत 10 सालों से रावण और मेघनाथ का पुतला बनाया जाता है। लगभग उसमें 30,000 रुपये का खर्च आता है और ये आन बान शान बक्सर का ये कार्यक्रम सुदूर देहातों से, पूरे बक्सर जिला ही नहीं अपितु बगल के उत्तर प्रदेश से भी कई गांव और शहरों से भी लोग यहां पर आते हैं। और 21 दिन का कार्यक्रम जो रामलीला समिति दशहरा के रूप में, विजयादशमी के रूप में रामलीला का कार्यक्रम और दिन में श्री कृष्ण लीला का कार्यक्रम कराती आ रही है, वैसा पूरे बिहार अपितु नहीं पूरे भारत में भी 21 दिन का कार्यक्रम नहीं होता है। और यहाँ आपने देखा होगा कि लगभग 2 लाख की संख्या यहाँ इस किला मैदान में मौजूद है। एक एक सारे लोग का सर दिखाई दे रहा है, इतने बड़े भी, और सारे बक्सर की जनता, आसपास के उत्तर प्रदेश और अन्य देश की जनता, सारे लोग उत्साहित हैं इतने बड़े कार्यक्रम को लेकर। ये जो रामलीला होता है कितने दिन होता है? ये 21 दिन का कार्यक्रम है जो रात्रि में रामलीला और दिन में श्री कृष्ण लीला का आयोजित होता है, जो कि वृंदावन से प्रख्यात इस साल के सुरेश उपाध्याय जी की मंडल आई हुई है, जो पूरे एशिया के प्रख्यात ये मंडल है जो बराबर देश विदेश का भ्रमण करती है और अपना कार्यक्रम करती आ रही है। सुरेश संगम, प्रवक्ता सह कोषाध्यक्ष रामलीला समिति बक्सर। ये पहले तो मैं दुर्गा पूजा के अवसर पे बक्सर वासियों को हार्दिक धन्यवाद शुभकामना देता हूँ और यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष रामलीला समिति के द्वारा प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और यह कार्यक्रम निसंदेह रूप से ऐतिहासिक और अविस्मरणीय होता है। यह कार्यक्रम बहुत ही मायने में अधर्म पे धर्म का विजय, अत्याचार और दुराचार करने वाले लोगों का इसी तरह से खात्मा होगा, यह संदेश देता है और यही संदेश लेकर के बक्सरवासी अपने घर को जाते हैं। व्यवस्था कैसा रहा यहाँ? व्यवस्था बहुत अच्छा रहा, प्रशासन जागरूक रहा, कहीं गैदरिंग कहीं कोई उस तरह की बातें नहीं सुनने को मिली, देखने को मिली, इसलिए प्रशासन को भी धन्यवाद दिया जाए। संपन्न हुआ विजयदशमी का महापर्व है जो आज शांतिपूर्ण तरीके से किला मैदान में हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, पब्लिक भी व्यवस्थित तरीके से बाहर अब निकल भी गई है। इसके बाद में हम पंडाल जो है, पंडाल में सब पब्लिक लोग घूमते हैं। आनंद कुमार, आनंद कुमार, उम्र 12 साल, उसके लिए आवाज़ सुन रहे हो? कैसे कैसे सुचारू प्रशासन मंच के पास आकर अपने भाई से मिले, आनंद कुमार आवाज़ सुन रहे हो? उसी पे हम लोग अभी प्रशासन मंच पर आकर अपने भाई से मिले। हमारा ये अनुरोध रहेगा पब्लिक से, अब जल्द से जल्द अपना जो बेसिकली भ्रमण कार्यक्रम भी है उसमें घूमें तो ध्यान भी रखें कि दूसरे को भी इसको असुविधा ना हो और जल्द से जल्द उसके बाद में तदुपरांत अपने घर की तरफ रवाना। थैंक यू।